हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GDT के बारे में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को जानने के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। GDT क्या होता है, इसमें कौन कौन से जो 14 सिंबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मॉडिफायर कौन कौन से होते हैं, और डेटम, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। दोस्तों, GDT जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक डाइमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग, GDT को डिफाइन किया गया है ASME Y14.5 2018 के द्वारा, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन 2018 में आया था। ASME का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिन्होंने इसको डिफाइन किया था। दोस्तों, GDT एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसका डिफिनेशन होता है GDT इज ए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ सिंबोलिक लैंग्वेज यूज्ड इन ड्राइंग टू एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट। मतलब यह एक सिंबॉलिक लैंग्वेज की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जिसका यूज किसी पार्ट का एक्यूरेट वर्णन करने के लिए ड्राइंग पर किया जाता है। GDT कंबाइन करता है सेट ऑफ सिंबल्स, प्रिंसिपल, रूल्स, जो इंश्योर करता है कि कैसे सभी लोग एक पेज पर हों, कैसे पार्ट को डिफाइन किया गया है। आपने देखा होगा किसी भी कंट्री का आप ड्राइंग ले लें, जैपनीज ड्राइंग, अमेरिकन ड्राइंग, तो उनमें जो ये सिंबल होते हैं, सिंबल और टॉलरेंस का जो यूज होता है वो सेम ही यूज किया जाता है किसी भी ड्राइंग में, कोई भी प्रोडक्ट की ड्राइंग होती है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। GDT एक बहुत ही यूजफुल और इफिशियंट टूल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और इंस्पेक्शन के लिए एक बेहतर कम्युनिकेशन देता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिफिनेशंस दिए गए हैं, उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। जिसमें डायमेंशन का डिफिनेशन होता है, डायमेंशन इज द नोमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू डिफाइन साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, फॉर्म और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्ट। मतलब यह नोमेरिकल वैल्यू जो कि एक्सप्रेस करता है साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन, फॉर्म, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है। जो दूसरा है फीचर्स, इट इज़ ए जनरल टर्म अप्लाइड टू ए फिजिकल पोर्शन ऑफ पार्ट सच एज सरफेस, होल और स्लॉट। यह एक जो फिजिकल पोर्शन होते हैं जहाँ पे होल होते हैं, सरफेस स्लॉटेड बनी होती है, उसको डिफाइन करता है ये। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं फीचर ऑफ साइज, इट इज़ ए सिलिंड्रिकल स्फेरिकल सरफेस और सेट ऑफ टू अपोज्ड इलेमेंट एसोसिएटेड विथ साइज डायमेंशन। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे डिफिनीजन्स हैं जो यूज किए जाते हैं आपको GDT के अंदर। डेटम क्या होता है, इट इज़ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज टू लोकेट प्लेस। डेटम लोकेट करता है कि आपको किस प्लेस से, किस कौन से प्लेन से आपको मेजरमेंट करनी है। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, इट इज़ द स्पेसिफिक वैल्यू ऑन द ड्राइंग, ऑन ए ड्राइंग जो वैल्यू दिए रहते हैं उसको इंडिकेट करता है नॉमिनल वैल्यू। टॉलरेंस क्या होता है, इट इज़ द टोटल अमाउंट दैट पार्ट फीचर आर परमिटेड टू वेरी फ्रॉम देयर स्पेसिफिक डायमेंशन। जो टॉलरेंस होते हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ पार्ट के फीचर का, जो टोटल अमाउंट होता है मिनिमम से मैक्सिमम उसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, डायमेंशन होते हैं, उसको इंडिकेट करता है। टाइप्स ऑफ टॉलरेंस होते हैं, लिमिट टॉलरेंस, प्लस माइनस टॉलरेंस, इक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस, अनइक्वल बाइलेटरल टॉलरेंस और यूनिलेटरल टॉलरेंस। ये टॉलरेंस के टाइप्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है डिफिनेशन जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अब समझते हैं जो GDT के 14 सिंबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरह कैटेगराइज किया गया है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, इस पिक में आप लोग देख सकते हैं कि जो GDT के सिंबल्स हैं और उसके कैटेगरीज हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफाइन किया गया है। तो ये जो GDT के 14 सिंबल्स होते हैं, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स बोलते हैं इनको,
इनको कैटेगराइज किया गया है टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक कंट्रोल के द्वारा। जो कैटेगरी है वो होते हैं फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन और रनआउट। ये पांच कैटेगरी होती हैं जिनमें ये 14 सिंबल होते हैं आते हैं। तो जो पहला कैटेगरी है वो फॉर्म की कैटेगरी है। इसमें आपका सिंबल है, आप देख सकते हैं, ये सिंबल आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये ड्राइंग में यही सिंबल दिया जाता है, इसी के आधार पर आप लोगों को इंस्पेक्शन करना होता है। जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका जो नेम लिखा हुआ है, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, ये वहाँ पे नहीं दिया जाता है, बस सिंबल दिए जाते हैं, इसके आधार पर आप लोगों को इंस्पेक्शन करना है। तो जो फॉर्म की कैटेगरी में है वो है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। ये चार जो सिंबल होते हैं ये फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। जो दूसरा है प्रोफाइल ऑफ ए लाइन और प्रोफाइल ऑफ सरफेस, ये प्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है ओरिएंटेशन, जिसमें एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म आते हैं। चौथा है लोकेशन, लोकेशन में आपका पोजीशन, कंसेंट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी आता है। और लास्ट वाला है जो रनआउट, रनआउट में सर्कुलर रनआउट आता है और टोटल रनआउट। ये हैं दोस्तों 14 सिंबल जो GD&T के होते हैं। ये सिंबल आप लोग 100% याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ड्राइंग इसी सिंबल पे काम करता है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं GD&T के मॉडिफायर्स के बारे में। वैसे तो मेनली 6 मॉडिफायर्स होते हैं, लेकिन और भी होते हैं मॉडिफायर्स जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों मॉडिफायर्स क्या होते हैं? दे आर सिंबल्स विच डिफाइन कंडीशन फॉर द टॉलरेंस जोन ऑफ ए ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। मतलब वे एक सिंबल होते हैं जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के टॉलरेंस जोन के लिए शर्तों को परिभाषित करते हैं, जिसमें कि ये आपके आते हैं, जो ये सिंबल देख रहे हैं आप, सर्कल के अंदर L लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है LMC, लिस्ट मटेरियल कंडीशन। उसके बाद आता है सर्कल में M, MMC, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। थर्ड वाला है टेंजेंट प्लेन। फोर्थ प्रोजेक्ट टॉलरेंस जोन। फिफ्थ नंबर है फ्री स्टेट। और सिक्स नंबर है डायमीटर। ये होते हैं दोस्तों मॉडिफायर्स। इसके अलावा और भी हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं रेडियस है, स्फेरिकल रेडियस, स्फेरिकल डायमीटर, कंट्रोल्ड रेडियस। तो दोस्तों ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मॉडिफायर का काम करते हैं। दोस्तों अब समझते हैं हम लोग डैटम क्या होता है। डैटम आपने ड्राइंग में देखा होगा, एक डैटम रिफरेंस लिया जाता है जिसको रिफरेंस भी बोलते हैं हम लोग। इसका डिफिनेशन होता है इट इज़ ए थ्योरेटिकल एग्जैक्ट प्लान फ्रॉम विच ए डायमेंशनल मेजरमेंट इज मेड। मतलब ये एग्जैक्ट प्लान होता है जहाँ से आप किसी भी डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। ये जहाँ पे दिया होगा आप समझ लेना वहीं से रिफरेंस लेकर के हमें डायमेंशन को मेजरमेंट करना है। डैटम सिस्टम इज ए सेट ऑफ सिंबल विच इज यूज टू डिस्क्राइब द फंक्शन एंड डायमेंशन टू द यूजर। डैटम प्लेन, डैटम एक्सिस एंड डैटम सेंटर प्लेन आर यूज टू मेक मेजरमेंट ऑफ ए पार्ट। पार्ट को मेजरमेंट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये रिफरेंस का काम करते हैं कि आपको इस प्लेन से रिफरेंस लेकर के इस डायमेंशन को मेजरमेंट करनी है। ये होता है डैटम, इसका सिंबल ये होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ड्राइंग में एक इस तरीके के शेप का कोई डायमेंशन लिखा जाता है, इसको हम लोग फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। ये वहीं पे होता है जहाँ पर हम किसी प्रोडक्ट की पोजीशन की मेजरमेंट करते हैं। पोजीशन को मेजरमेंट करने के लिए ये सिंबल दिया जाता है। ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। इट इज़ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट विद इन विच सिंबल, मॉडिफायर एंड टॉलरेंस ETC आर प्लेस्ड। मतलब इस जो बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसमें सिंबल का भी यूज होता है, मॉडिफायर्स भी होते हैं और टॉलरेंस भी होते हैं, जो कि जहाँ पे भी पोजीशन की इंस्पेक्शन होती है या पोजीशन दिखाया जाता है वहाँ पे इस तरीके का बॉक्स आपको दिखाई देगा। चलिए इस समझते हैं बॉक्स के अंदर होते क्या क्या है। तो पहला जो होता है, जैसे लिखा हुआ है डायमीटर 12,
तो ये इसकी पोजीशन चेक करने के लिए ये नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं इसके आधार पर आपको ये डायमीटर 12 की पोजीशन चेक करनी है, जिसमें इसमें जो पहला सिंबल होता है वो होता है ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल जो कि पोजीशन का सिंबल है, दूसरा होता है डायमीटर सिंबल, तीसरा जो दिया हुआ है टॉलरेंस वैल्यू है 0.02, और उसके बगल में है सर्कल में एम जो कि मैक्सिमम मटेरियल मटेरियल कंडीशन मोडिफायर होता है। उसके बाद जो ए बी सी आता है ये प्राइमरी डेटम सेकेंडरी और टर्टियरी डेटम होते हैं, तो ये होता है फीचर कंट्रोल फ्रेम। तो आपको इस आधार पे चेक करना है, ए बी सी तीनों के रेफरेंस में लेकर के पोजीशन चेक करना है, जिसमें 0.020 की वेरिएशन तक अलाउ है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में जो बनाऊंगा ना, उनमें जो ये 14 डायमेंशन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इनको किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा कि ये जो सिलिंड्रिसिटी है, इसका परपेंडिकुलरिटी है, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।